किडनी के मरीजों को फास्फोरस क्यों कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में, जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि क्यों किडनी के मरीजों को फास्फोरस कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। आपने हमेशा सुना होगा कि किडनी के मरीजों को फास्फोरस कम मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन क्यों, इस बात की जानकारी शायद ही आपको हो। किडनी के मरीजों को हमेशा खाने पीने की चीजों में परहेज करने की जरूरत होती है। उन्हें उन सभी चीजों से परहेज करने होते हैं जो बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ाते हों। अगर बात स्वस्थ इंसानों की करें तो उन्हें भी यही सलाह दी जाती है कि उन्हें अपनी डाइट में अधिक तेल मसाले वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा खाना ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो सकती है। तो बात अगर डैमेज किडनी की हो तो उन्हें मसालेदार खाने को दूर से नमस्कार कर देना चाहिए। जी हाँ, डैमेज किडनी के लिए मसालेदार खाना बहुत नुकसानदायक होता है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों किडनी के मरीजों को फास्फोरस कम मात्रा में देने की सलाह दी जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा शरीर कई न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की मदद से स्वस्थ बना रहता है। जब बॉडी में इन सभी पोषक तत्वों का बैलेंस बराबर रहता है तो इससे बॉडी सही तरह से विकसित होती है। ह्यूमन बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए एक जरूरी पोषक तत्व फास्फोरस भी है, जिसकी सही मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। फास्फोरस एक खास प्रकार का मिनरल है जो कई कंपाउंड एलिमेंट से बनता है। इसका सेवन आपको शरीर में होने वाली कई समस्याओं से बचाता है, जैसे ये शरीर की डैमेज सेल्स को ठीक करता है, पेट की समस्याओं से बचाव करता है, शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, साथ ही हड्डियों को मजबूत बनाता है। ऐसे ही कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए फास्फोरस शरीर की मदद करता है। लेकिन हमारा आज का विषय ये है कि किडनी के मरीजों को क्यों इसकी कम मात्रा दी जाती है, जबकि इसका सेवन शरीर की कई दिक्कतों को दूर करता है। उसके बाद भी किडनी के मरीजों को इसका सेवन कम मात्रा में करना होता है। जब किसी की किडनी में कोई भी दिक्कत आती है तो उन्हें सबसे पहले डाइट में बदलाव करने होते हैं, जिसमें उन्हें कई ऐसी चीजों से परहेज करना होता है जो उन्हें बहुत पसंद होती हैं, या फिर कई ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना होता है जिनका सेवन मरीजों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। कहा जाता है कि किडनी के इलाज के दौरान मरीज की डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए मरीजों को इसका खास ध्यान रखना होता है। जब किसी की किडनी में खराबी आना शुरू होती है तो इससे शरीर में सभी प्रकार के केमिकल्स और मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है, और किडनी खराबी के चलते जब आप इन बातों का ध्यान नहीं देते तो एक समय ऐसा आ जाता है जब आपकी किडनी पूरी तरह अपना काम करना बंद कर देती है। जब किसी की किडनी में खराबी आ जाती है तो उन्हें फास्फोरस युक्त डाइट या तो बहुत कम मात्रा में दी जाती है या फिर बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि फास्फोरस मुख्य रूप से किडनी को स्वस्थ रखने और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, फास्फोरस किडनी को डिटॉक्स करता है, साथ ही शरीर में जमा टॉक्सिन्स को यूरिन के माध्यम से बाहर करता है। इसके साथ ही फास्फोरस शरीर के सभी लिक्विड एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। इससे आपका यूरिन रिलीज बहुत जल्दी जल्दी और ज्यादा मात्रा में हो सकता है। जब आपका यूरिन बार बार रिलीज होता है तो इससे आपकी डैमेज किडनी में ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिससे किडनी खराबी की स्टेज बढ़ सकती है और आपको और भी कई शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किडनी के मरीजों को फास्फोरस युक्त डाइट कम दी जाती है, या कई मरीजों को इसका सेवन पूरी तरह वर्जित भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं जिन्हें किडनी में कोई भी समस्या है उसके बाद भी वो फास्फोरस युक्त डाइट का सेवन करते हैं तो उन्हें मानसिक तौर पर स्ट्रेस और टेंशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे किडनी के मरीजों के दिमाग पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। ये किडनी को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। किडनी की समस्या होने पर मरीजों को भूख कम लगती है, लेकिन मरीज अगर फास्फोरस युक्त डाइट लेते हैं तो ये संभव है कि उनकी भूख पूरी तरह खत्म हो जाए और वो खाना ही ना खाएं। इससे शरीर में कमजोरी आ सकती है। किडनी खराब होने पर मरीज के शरीर में लिक्विड एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जो रोगी के चेस्ट में जमा होने लगता है। इससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर ऐसे में किडनी रोगी फास्फोरस का सेवन करते हैं तो उनको भी सांस लेने में समस्या बढ़ सकती है।
जिससे बॉडी में और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि खाने की किन चीजों में फास्फोरस पाया जाता है। सोयाबीन, अलसी के बीज, दालें, राई, मूंगफली, अंडे, चिकन, बादाम, ब्राउन राइस, सूरजमुखी के बीज, राजमा, पनीर, दही, आलू और मटर, इन सभी में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, जिनका सेवन किडनी के मरीजों को अलाउड नहीं होता या फिर उन्हें कम मात्रा में इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। तो ये है फास्फोरस युक्त डाइट, जिन्हें किडनी के मरीज डॉक्टर की सलाह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको किडनी की समस्या है तो आप आयुर्वेदिक इलाज के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का इलाज आपको किडनी की समस्या का सफल इलाज देता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। साथ ही यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? जब आए थे 2011 था, और उस समय उनका जो यूरिया भी थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी। अच्छा। लेकिन फिर आपका नेट से पता चला कमरे का, फिर मैंने कांटेक्ट किया आपसे, उसके बाद अभी कंटिन्यू आपसे मेडिसिन है, कंटिन्यू रेस्ट में, और इस ओके बेटर वी आर ओके विद कमाई इज बेटर। क्रिएटिनाइन 4.62 है और यूरिया 97 है, और इनका जो यूरिक एसिड है वो 9.42 है, इसके अंदर भी 3.76 है। बोथ द रिपोर्ट्स, द पेशेंट इज आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल, डायलिसिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, और डायलिसिस की इनको किसी भी तरह की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। एक महीना हो चुका है इन्होंने डायलिसिस नहीं कराया है, और डायलिसिस बिना कराए भी क्रिएटिनिन जो है वो 3 और 4 की रेंज के अंदर ही है, विदिन ही है। इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी और रिजल्ट्स इनको नजर आए किस तरीके से। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।